हिमाचल से बेशक कांग्रेस की सरकार चली गई है, लेकिन शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अभी तक ये बात रास नहीं आ रही है। यही कारण है कि सोलन के कांग्रेस कार्यालय में आज तक मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और धनी राम चांडिल ही मंत्री के बड़े बड़े पोस्टर नजर आ रहे हैं, जिस पर भाजपा नेता मनीष सोपाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने जल्द से जल्द ये पोस्टर को बदलने की सलाह दी है, ताकि हिमाचल में आने वाले पर्यटक और स्थानीय जनता में किसी तरह का भ्रम उत्पन्न न हो सके। भाजपा नेता मनीष सोपाल ने कांग्रेस की खिल्ली उड़ाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घेरते हुए कहा कि शायद वो पूर्व मुख्यमंत्री और धनीराम चांडिल से इतना लगाव है कि वो शायद यह हजम नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी सरकार जा चुकी है। तभी वो अपने कार्यालय के बाहर बहुत बड़ा पोस्टर लगाकर उन्हें आज भी वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री और धनीराम चांडिल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मान रहे हैं, जिसकी वजह से हिमाचल में आने वाले पर्यटक और स्थानीय जनता भ्रमित हो रही है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि वह जल्द से जल्द इस पोस्टर को बदलें, और अगर वह मुख्यमंत्री का पोस्टर लगाना चाहते हैं तो वह वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पोस्टर लगाएं, जिनका सोलन भाजपा मंडल भी स्वागत करेगी। मेरा मानना यह है कि दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी और पूर्ण बहुमत में बनी है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने शपथ ली थी और अपने मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। पर कांग्रेस को कहीं मुझे लग रहा है, ये लग रहा है कि अभी भी मानने को तैयार नहीं कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बन चुकी है। इन्हें अभी भी इनके जो कार्यालय में जो फ्लैक्स लगा है 24x24 से बड़ा ही है, उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को अभी भी मुख्यमंत्री दर्शाया जा रहा है, धनराम चांडिल जी को स्थानीय मंत्री दर्शाया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि माननीय विधायक जो सोलन के विधायक है, उनसे आग्रह भी करना चाहूंगा कि अब आप मंत्री नहीं रहे हैं, आपको ये फ्लैक्स अपने कार्यालय से उतारना चाहिए। और जितने की आने वाले पर्यटक है, जनता भ्रमित हो रही है, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, आने वाले पर्यटकों को सभी को गुमराह कर रहे हैं कि आप यहां के मंत्री है। तो मेरा ये विनम्र आग्रह भी रहेगा कांग्रेस जिला कार्यालय के पदाधिकारियों से कि वो जनता को भ्रमित ना करें और अपना ये 24x24 का फ्लैक्स है इसे उतारे। अगर आपने मुख्यमंत्री जी का फ्लैक्स लगाना तो माननीय श्री जयराम ठाकुर जी का फ्लैक्स आप लगाएं, हम उसका स्वागत भी करेंगे।